मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। श्री शिव बाबा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ और यह खिरमिट रोड सुनारी में किया जा रहा है और यह मंदिर में शंकर भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और सबसे बड़ा चीज़ की सावन और उसके पहले गुरु पूर्णिमा और उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। यह जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वह मंदिर है मौनी बाबा के नाम से सुनारी में विख्यात मंदिर। जो मौनी बाबा मंदिर था उनको प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ मंदिर का पूर्ण निर्माण यानी मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया गया। मंदिर के संरक्षक है महंत काली मंदिर पार्टी के विद्यानंद सरस्वती जी, जो आए हुए हैं और कुछ ही देरी के बाद यह शंकर भगवान जी का जो मंदिर है उसकी पूजा किया जाएगा। श्री मंत विद्यानंद सरस्वती जी हमारे साथ है, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है चूनागढ़ अखाड़ा के भी। कुछ दिन के बाद सावन आने वाला है और शंकर भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है उस मौनी बाबा मंदिर में। मौनी बाबा के बारे में थोड़ा पहले बताइए। मौनी बाबा हमारे जो है बहुत पुराने संत थे जो कि काफ़ी यहाँ पर तपस्या किए थे। तपस्या करने के बाद वो जो है धीरे धीरे अपने तप के बल पर यहाँ आश्रम का निर्माण किया और बोले शंकर का जो है ना मंदिर जो है ना बनाए, हनुमान जी का मंदिर बनाए, सारी व्यवस्थाएं जो है ना अपने तप के बल पर ही जो है यहाँ पर बनाए। और धीरे धीरे जो है ना उनका शरीर जो है ना वृद्धावस्था आते गया और आस्ते आस्ते करके जो है ना वो समर्पित हमको कर दिए। कौन सा भगवान की जो पूजा करते थे मौनी बाबा? देखिए हमारे इष्ट देवता जो है दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय जो होते हैं कि जिनका रूप जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को होता है, वो अत ऋषि के सती अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। उनके पिता का नाम है अत ऋषि। तो हम लोग का इष्ट देवता जो दत्तात्रेय हैं जिसमें हम लोग इष्ट देवता को करते हैं और भोले शंकर को शिव को हम लोग जो है ना अधिक से अधिक मानते हैं कि शिव स्वरूप के। तो मौनी बाबा हमारे शिव स्वरूप के रूप में ही थे। उनके कुछ घटना कुछ इतिहास अगर बता सके। मौनी बाबा एक बाल योगी थे, वो बचपन से ही वो घर से त्याग से निकल गए थे। बचपन से घूमते घूमते जो है ना चित्रकूट से लेकर अखाड़े तक का जो है ना भ्रमण करते करते यहाँ आ करके जमशेदपुर में काफ़ी सालों से जो है ना यहीं पर सुनारी में, उस टाइम यहाँ जंगल था उस टाइम से रहते थे, जबकि उस टाइम टाटा कंपनी जो है ना बार बार उनको हटाती थी। अब फिर पुनः उनका जो है ना वो खड़ेसुरी थे, उनकी पैर काफ़ी सूज गया था, उसमें कीड़े हो गए थे, फिर भी वो अपना हठ जोग पर जो है ना अड़े रहे और मौन रहे। मौन वो जो है ना छोड़े नहीं, लाख उनको जो है ना इतनी कष्ट हुआ, लोग मारपीट तक किया, फिर भी अपना हठ छोड़े नहीं। वो काफ़ी साल से यहाँ पर रहे और वो उसी हठ योग में जो है ना रहते रहते यहाँ पर जो है ना तप किए और तप करने का पहचान अपना जो है ना छोड़ गए, जो मौनी बाबा आश्रम का नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रोग्राम हो रहा है 3 दिन जब से हुआ, आज कितने दिन है और आज क्या हुआ था? आज हमारा 2रा दिन है। कल जो है ना नवग्रह वग्रह का जितने पूजन के कार्यक्रम हुआ, आज हमारा कलश यात्रा निकला था। कितने महिला बच्ची लोग? 351 हम लोग कलश दिए थे और साड़ी दिए थे उन लोगों को। जो परंपरा है हमारा जो है उस परंपरा से जो है ना लोग गया। हाँ, हमारे
जो ब्राह्मण देवता हैं, हर जगह से जो है ना विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया है, काशी से भी बुलाया गया है, जबलपुर से बुलाया गया है, राजस्थान से बुलाया गया है, कुछ यहाँ के जो है ना जमशेदपुर से भी है, बिहार से भी है, तो लगभग 10 पंडित जो है ना अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के जो है ना हमारा मधुसूदन जोशी जी जो है ना उसका जो है ना आचार्य हैं, उन्हीं के देख रेख में जो है ना पंडितों का काम कर रहे हैं लोग। और आज हमारा कलश यात्रा हुआ, पूजन हुआ, कल क्या होगा? अब कल जो है हमारा फिर जो है ना महास्नान है, कल गुरु पूर्णिमा भी है, और गुरु पूर्णिमा में पूजन होता है। गुरु का पूजन तो हम लोग का जो है ना परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, गुरु शिष्य का जो भी लोग भी है, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई होता नहीं है। तो कल हमारा गुरु पूजा है, तो प्रातः तो पहले गुरु पूजा होगा, इसके बाद जो है फिर हम लोग भगवान के पूजन करेंगे, आरती करेंगे। कल हमारा महास्नान है, महास्नान के बाद हम नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, पूरे परिवार को भोले शंकर के ले करके हम लोग नगर भ्रमण में जाएंगे। नगर भ्रमण करने के बाद शयन आरती करके उनको सुला देंगे, फिर परसों रोज 22 तारीख के दिन उनको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर देंगे। और सावन भी आ जा रहा है, सावन का पहला, सावन के पहला सोमवार के दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा है, और उसी दिन से हमारा अष्टयाम भी जो है ना चालू हुआ है। हाँ, तो अष्टयाम क्या होता है बाबा? जो रामायण नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो रामायण 24 घंटा चलेगा, खुद वो जा कर के 23 तारीख को समाप्त होगा, और 23 तारीख जो हमारा यज्ञ चल रहा है उसकी पूर्णाहुति होगी और भंडारा भी होगा। क्या क्या परेशानी होता था आप लोग तो बगल में थे? परेशानी तो हम लोग तो उस समय छोटे बच्चे थे, और उस वक्त हम लोग का ये जो है उतना ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। फिर भी हम लोगों ने देखा था, मौनी बाबा यहाँ रहते थे और उनका एक बहुत ही उदार व्यक्ति थे, और बड़ा अच्छा उनका धर्म के प्रति उनका लगाव था, और भगवान शंकर का मंदिर की स्थापना उन्होंने यहाँ किया, और एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था दुमानी जंगल में, जो आज वहाँ बस्ती स्थापित है। और हम लोगों ने वहाँ देखा था बचपन में, काफ़ी साधु संत आए थे बाहर से, सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में, यही हम लोगों ने देखा था। क्या मौनी बाबा के पास बहुत भीड़ लगे रहते थे? कोई आते थे दुखी? काफ़ी लोग यहाँ के लोकल लोग सारे लोग जुड़े हुए थे, आते थे, लेकिन क्या बाहर बाहर के भीड़ लगे रहते थे क्या? ऐसा है कि अब मंदिर है, स्थापना हुई है, तो उनके प्रति साधु संत थे, महात्मा थे, तो उनके प्रति लगाव तो लोगों का था ही। लेकिन फिर हम पूछना चाहेंगे कि मौनी बाबा जी क्या सही में जवान से कुछ नहीं बोलते थे? ये हठ योगी है, समझे, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हठ योग, जो आदमी जब संन्यास लेता है तो हठ योग करता है कि हमको ये काम करना है, तो सोचे कि ना हम बोलेंगे ना हमारा जो है ना गलत शब्द बाहर निकलेगा, इसके चलते वो अपना जो है ना बोली पर ही कंट्रोल कर लिए, और जब तक जिंदा थे वो कभी जो है ना आवाज़ उनका कोई नहीं सुना। लेकिन ये विद्या योग में आता है। हाँ, हठ योग में, हठ योग में जी। देखिए, यही भारतीय संस्कृति है कि जिसमें एक योग की एक क्रिया है, और सबसे बड़े चीज़ की या सभी व्यक्ति को अगर सोचने के लिए अगर उसका लक्ष्य एक है तो आप किसी का बात मत सुनिए और उस लक्ष्य को आप करते रहिए। और यही कारण है कि मौनी बाबा ने मौन धर्म कर लिया था, और उनका एक मकसद था कि यहाँ पर मैं मंदिर बना कर रहूँगा, और मंदिर बन चुका है। मंदिर किसी कारण से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन संत विद्यानंद सरस्वती के जैसे इनको पता चला कि मंदिर में ऐसा ऐसा काम करना है, आज मंदिर को फिर वैसे बनाया जा रहा है जिस प्रकार पाडी काली मंदिर है, और अनेकों मंदिर इनके संरक्षण में चल रहा है। लेकिन पाडी काली मंदिर जिस प्रकार जमशेदपुर में है, विख्यात है, शक्तिशाली है, आस्था का केंद्र है, और वही मंदिर जैसे उससे सुंदर मंदिर मौनी बाबा आस्ते आस्ते बन रहा है। माँ भंडारा आयोजन होने वाला है, और शिवरात्रि सावन का शुरुआत होने आ रहा है, और शंकर भगवान जी कल नगर भ्रमण करेंगे। आप भी आइए इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में, और अपनी परिवार को लेके आइए, प्रसाद लीजिए, और महाभंडारा में ज़रूर आप
शंकर भगवान का जरूर प्रसाद खाइए। विद्यानंद सरस्वती जी है, इनसे आप आशीर्वाद लीजिए। और इस मंदिर के लिए जो सबसे अधिक जरूरत है अर्थदान, अगर आपके पास जैसे शक्ति है इस मंदिर को बनाने में आप भी जरूर सहयोग कीजिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव के पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।